दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं वृंदावन के सुप्रसिद्ध प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर में हमेशा ही आपको भीड़ दिखने को मिलेगी, स्पेशली रात के समय। लेकिन जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आज सुबह के टाइम भी यहां काफी लोग मौजूद हैं, जो कि दर्शनों के लिए प्रेम मंदिर पहुंचे हैं। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के अनूठे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के हैं। इस दृश्य में श्री कृष्ण को कालिया नाग के ऊपर नाचते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचपन में की गई बाल लीलाओं को बड़े ही अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ आना वाला हर व्यक्ति इस अनूठे दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। पर्यटकों को केवल इसे दूर से देखने की परमिशन है, इसके पास जाकर देखने या छूने की अनुमति यहाँ किसी को नहीं दी जाती। इसलिए यदि आप यहाँ आए तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। प्रेम मंदिर के मुख्य मंदिर पर कुछ आकृतियां भी दिखाई गई हैं, जो कि श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी झलकियों को दिखाता है। इसके अलावा क्या कुछ है यहाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। दोस्तों, प्रेम मंदिर में ऐसे रास्ते बनाए गए हैं, यदि आप चाहें तो पूरे मंदिर की परिक्रमा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो रास्ता है जहां से आप पूरे मंदिर की परिक्रमा भी लगा सकते हैं। तो अब हम भी इस मार्ग से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप इस रास्ते से चलकर मंदिर के मेन गेट तक पहुंचेंगे। इसके बाद चलते चलते हम पहुंच चुके हैं एक दूसरे पार्क की ओर, जहां पर श्री कृष्ण को गायों और उनके दोस्तों के साथ दिखाया गया है। साथ ही आज कुछ स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यही से ही मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है। यही से ही आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही यह मंदिर काफी बड़ा है, हालांकि इसका परिसर भी काफी बड़ा है, तो उस हिसाब से मंदिर का बड़ा होना स्वाभाविक ही है। यहाँ पर बीच बीच में आपको कई छोटे छोटे पार्क आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां जाने की अनुमति नहीं है, परंतु दूर से देखने में काफी मनोरम लगता है। परंतु आपको हर पार्क के साथ साथ श्री कृष्ण की झांकियां भी देखने को मिल जाएंगी। और जो अब सामने दिखाई दे रहा है, उसमें गोवर्धन पर्वत को दिखाया गया है, जो कि श्री कृष्ण ने बचपन में उठाया था। अब यहां कुछ अन्य झांकियों को भी दिखाया है, जैसे ये वाली झांकी जो कि पूतना वध की है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरी झांकी की तरफ। इसमें माता यशोदा को श्री कृष्ण के पीछे भागते हुए दिखाया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली झांकी की ओर और यहां पर वासुदेव जी को श्री कृष्ण को यमुना के पार ले जाते हुए दिखाया गया है।
इसके अलावा कैसा दिखता है रात को प्रेम मंदिर का नजारा, ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हरे कृष्णा।